तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गोस्वामी टायर रुकेस पर। और मेरा नाम पवन गोस्वामी, आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो ट्रॉली का टायर होता है, अगर वो टायर खड़े के नीचे वाली किनारी को पूरा टायर पकड़ ले और छोड़ने में दिक्कत आ रही हो, तो ऐसे हालात में दोस्तों टायर को हम कैसे खोल सकते हैं। दोस्तों इस टायर में वही दिक्कत आ रही थी, तो सबसे पहले दोस्तों मैंने क्या है कि जो टेल्यूर है उससे पीट के थोड़ी जगह बना ली, जिससे क्या है कि इसके अंदर पानी चला जाए। तो उसके बाद क्या है, मैंने दोस्तों इसके ऊपर पानी डाल दिया खड़े के चारों साइड, जिससे क्या है इसके अंदर पानी बैठ गया और टायर के थोड़ा चिकना हो गया और टायर नीचे बैठ गया, टायर ने आसानी से किनारे छोड़ दी। तो आप भी दोस्तों टायर खोलने से पहले थोड़ा उसके ऊपर पानी डाल दीजिए, जिससे क्या है टायर आसानी से खुल जाएगा। तो अब दोस्तों इस टायर ने किनारे तो छोड़ दी है, अब इस टायर को बाहर निकालेंगे। और उससे पहले दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या है कि आपको मेरी नई नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों अब इसके कड़े को बाहर निकालते हैं। तो कड़ा बाहर निकालने के लिए दोस्तों आप पट्टे से एक साइड से कड़े को चौड़ा कीजिए और दूसरी साइड जो कड़े के अंदर खांचा बना होता है उसके अंदर टेल्यूर को डाल के और कड़े को बाहर उठाओगे तो वैसे क्या है कड़ा बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कड़ा तो बाहर आ गया है। तो दोस्तों ये ट्रॉली के टायर के जो डिक्स होती है, ठीक है, उसके अंदर जो कड़ा निकालने में बहुत दिक्कत आती है। तो वैसे दोस्तों अगर हम कड़े को बाहर निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, उससे अच्छा है कि हम टेल्यूर को लगा के और थोड़े से पिटेंगे तो क्या कड़ा आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो ये देख सकते हैं दोस्तों ये कड़ा आसानी से बाहर आ गया है। तो अब इस टायर को खोलते हैं। दोस्तों दिक्कत अब आ रही थी क्योंकि क्या है कि ये ऊपर वाली किनारी तो इस टायर ने छोड़ दी, लेकिन क्या है कि जो नीचे वाली किनारी है उसके ऊपर जंग लगा हुआ है और वो किनारी क्या है कि टायर ने पूरी टाइट पड़ रखी है। तो दोस्तों ये जो ट्रॉली का टायर होता है उसमें ये दिक्कत आती है कि अगर हम टायर को उठाकर पटकते हैं तो क्या है कि नलके बीच में आकर नलकी भी टूट सकती है, तो उसमें दिक्कत आती है। तो इसलिए मैंने क्या किया, तो आपको ये बताता हूँ कि अगर टायर किनारे ना छोड़े तो उसके अंदर हवा भर लीजिए, अगर हवा भरेंगे तो क्या ट्यूब चौड़ी होगी और चौड़ी होने से क्या है कि टायर चौड़ा होगा और टायर चौड़ा होने से क्या है कि किनारी बाहर निकल जाएगी। तो ये दोस्तों टायर ने किनारे तो छोड़ दिए, तो अब मैंने पैर से इसकी रिम को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन क्या है पैर से नहीं छोड़ी इसने, रिम बाहर नहीं निकली। तो क्या है कि इसको जो पाइप रखी है पास में मेरे पैर के पास में, जो बड़ी वाली पत्थर की पाइप का जो टुकड़ा पड़ा है उसके ऊपर टायर को उल्टा गिराएंगे। उल्टा गिराने पर दोस्तों एक दिक्कत और आ रही थी क्योंकि जो किया है कि टायर के नीचे चढ़ रहा था बार बार, तो मैंने क्या किया इसके ऊपर एक गुटका रख लिया, तो इसके ऊपर गुटका रख के और फिर टायर को उल्टा गिराएंगे। तो पहले इसके ऊपर गुटका रख के और टायर को उल्टा गिरा लेते हैं। दोस्तों इससे में क्या टायर रिम मारी से ज़्यादा बाहर निकलेगी और दो तीन दौड़ा मारने से दोस्तों रिम पूरी बाहर आ गई। तो दोस्तों ये टायर तो खुल चुका है, लेकिन क्या है कि मैंने जो फिट करने की वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरे पास वीडियो बनाने वाला कोई बंदा नहीं था, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।